अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फरीदाबाद निकिता तोमर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि निकिता के कातिलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कॉलेज में कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा। कॉलेज प्रशासन एक लेटर हेड पर लिखित में हरियाणा सरकार को देगा। कॉलेज प्रशासन कॉलेज के गेट सीसीटीवी कैमरा लगी होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी लेगा। कॉलेज के बाहर पीसीआर तैनात नहीं होती तो कॉलेज प्रशासन बुलाएगा। ये हमारी मांगों को अगर लिखित में जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक विद्यार्थी परिषद धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम बहन निकिता तोमर को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस अवसर पर एबीवीपी फरीदाबाद से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माधव रावत विद्यार्थी परिषद हत्याकांड की निंदा पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। आखिर उसका गुनाह क्या था जो उसे इस तरह से सरेआम गोली मार दी गई? पहले से जबरन गाड़ी में बैठाना चाहा और जब नहीं बैठी तो उसे गोली मार दी। इस बेगुनाह बच्चे के साथ इन हत्यारों की क्या दुश्मनी थी जो सीधा गोली मार दी? इतना बेखौफ होकर घूमने वाले अपराधियों में कानून नाम का कोई भय नहीं है। वो दिन कब आएगा जब हमारे देश में हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज़, फरीदाबाद।